शीला देवी। क्या है आप गांव में? प्रधान है क्या? हाँ, नगला कली की प्रधान हूँ। क्या मामला है, किस मांगों को लेकर आप जो है ऊपर चढ़े थे? मैं इस वजह से खड़ी थी कि मेरा नाला खुदाई जाए और पोखरे की बोंडी टूटवाई जाए, पोखरे की सफाई होगी अभी करंट में। अच्छा, इस मांग को लेकर आप टंकी पे चढ़ गए? हाँ, इसलिए तो मैं। तो अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या कही उन्होंने? किसने? अधिकारियों से भी बात हुई है? अधिकारी ने ये कही थी, आप मैं भूखा हड़ताल बैठी थी तो उन्होंने बोला था कि 10 दिन का समय दिए हमें और हम आपका नाला बनवा देंगे खुदवा के और आपकी बोंडरी खुदवा देंगे। और आपने 10 दिन का समय देखा, आज 5 महीना होगा, मेरी कोई सुनवाई नहीं। इस वजह से तो आपकी सुनवाई अगर 10 दिनों में नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, मैं भूखा हड़ताल पे बैठूंगी, उसी टंकी पे चढ़ जाऊंगी मैं फिर दोबारा से। प्रधान जी ऊपर टंकी पे चढ़ गए थे कि मांगों को लेकर, क्या मामला है? ये नगला कली में जो यहाँ की वर्तमान प्रधान है, उनकी दो समस्याएं मुख्यतः थी, एक तो नाले को लेकर थी और एक तालाब की सफाई को लेकर थी। तो उसमें आज मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है, पीडी साहब भी मेरे साथ थे, बाकी ब्लॉक के अधिकारी भी थे। तो हम लोगों ने उनसे बात करके इसमें एक समिति का गठन करेंगे कि नाले को हम लोग देखेंगे कि किधर निकालना चाहिए और किस प्रकार से निकालना चाहिए। और तालाब के लिए लेखपाल को बोल दिया गया है कि वो उसका पता कर लें कि कितना इस पर अतिक्रमण है कि नहीं है, और बाकी नाले की सफाई भी हम लोग करा, तालाब की सफाई हम लोग कराएंगे।